बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक बार फिर कई चुभते हुए सवाल पूछे हैं। सुशांत के परिवार वाले और करीबी इस मामले में शुरू से ही मुंबई पुलिस की तफ्तीश के तरीके पर सवाल उठाते रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कुछ अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक साथ तीन ट्वीट किए जिसमें उन्होंने केस से जुड़े कई कान खड़े कर देने वाले सवाल पूछे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किया कि सुशांत की मौत के बाद उनके घर सुशांत की बॉडी देने दो एम्बुलेंस आई थी, सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई थी, कहीं कई टीवी चैनल्स ने भी दावा किया था कि सुशांत के फ्लैट के नीचे दो एम्बुलेंस आई थी। ऐसे में स्वामी ने ट्वीट कर सवाल किया कि वहां दो एम्बुलेंस क्यों खड़ी थी, किसने बुलाया था उन्हें। अगर मुझे भरोसेमंद जवाब नहीं मिलता है तो हमें सुशांत का वो सर्वेंट दोस्त तो मिल सकता है। कहाँ है सैमुअल? वो मिसिंग है। वो जिंदा भी है या मर गया? तो क्या वो दूसरी एम्बुलेंस उसकी थी? स्वामी से पहले सोशल मीडिया पर आम जनता ये सवाल उठा रही थी कि दो एम्बुलेंस का क्या काम था। सैमुअल, जो कि सुशांत का अच्छा दोस्त और उसके घर पर रहता था, वो कहाँ है? सैमुअल की अब तक कोई जानकारी न आने को लेकर भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं कि वो दूसरी एम्बुलेंस कहीं सैमुअल के लिए तो नहीं थी। इसके पहले राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सुशांत सिंह राजपूत के शव को उनके आवास से अस्पताल तक पहुंचाया था, उनके अनुसार दिवंगत अभिनेता के पैर टखने के नीचे से मुड़े हुए थे, जैसे कि वो टूट गए हों। स्वामी ने उन पांच डॉक्टर्स को भी सवालों के घेरे में लिया जिन्होंने सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया। स्वामी ने कहा कि सीबीआई को कूपर अस्पताल के उन पांच डॉक्टर्स से कड़ी पूछताछ करनी चाहिए जिन्होंने सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया था। सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस कर्मचारियों के अनुसार सुशांत के पैर के टखने के नीचे का हिस्सा मुड़ा हुआ था, जैसे कि वो टूट गया हो। मामला सुलझने वाला नहीं है। स्वामी के चौंकाने वाले ट्वीट ने सोशल मीडिया में एक बार फिर से इस विषय को ज्वलंत बना दिया है। सोशल मीडिया पर पहले से ही लोगों की बहस का एक प्रमुख मुद्दा रहा है कि सुशांत की मौत वास्तव में एक आत्महत्या का ही मामला है या उनकी हत्या की गई है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि ये आत्महत्या का मामला है, मगर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है और हर कोई ये सवाल का जवाब जानना चाहता है कि अगर सुशांत ने आत्महत्या ही की है तो वो क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून को उनके मुंबई स्थित आवास पर फांसी के फंदे से लटकता पाया गया था। उनके पार्थिव शरीर को उसी दिन पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभिनेता की मौत को स्पष्ट तौर पर आत्महत्या का मामला करार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।